आज हम रिएक्ट कर रहे हैं ठगेश के वीडियो पर जिसका टाइटल है सीमा हैदर एंड लप्पू सचिन वर्सेस लप्पू आंटी फाइट इज फनी। लप्पू सचिन तो ये आंटी जो है काफ़ी पॉपुलर हो गई जिन्होंने लप्पू से सचिन बोला है, लेकिन जिस बात का सचिन को बहुत बुरा लगा है और सीमा को भी। तो इन दोनों का जो मैटर चल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। अब दोनों ही आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं वीडियो पर, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर को, कि इसने ये बोला इसने ये बोला। तो अब देखते हैं कहां तक पहुंची है ये लड़ाई। शुरू करते हैं अभी गो ठगेश के द्वारा। सीमा वर्सेस मीना वर्सेस कैरी मिनाटी, क्या चल रहा है भाई ये केस? इसकी सबकी शुरुआत तब हुई जब सीमा हैदर पाकिस्तान से बच्चों को लेके सचिन भाई के पास आई, ये एकदम तारों के नीचे से घुस के आई। उसके बाद उनकी पड़ोसी मीना जी ने ये इंटरव्यू दिया। सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना, बोलता वो है ना। उसके बाद ये बहुत वायरल हुआ एंड बहुत सारे गाने भी बने। यशराज ने ये गाना बनाया, लप्पू सा सचिन है झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? इसके बाद ये बंदी कैरी के साथ कोलैब कर ली। क्या है कैरी में? हाँ लप्पू से शकल है, झिंगुर सा लड़का, बोलना यहाँ पे आवे ना, बोली पावे ना। और बाई चांस जरा सी हवा चल गई ना पड़ोस की आंटी के पति को बॉडी शेम नहीं किया। यस वैसे इन आंटी का नाम मिथिलेश कुमारी है जिन्होंने सचिन भाई को लप्पू बोला। नहीं इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत लोग उनकी इंस्टा आईडी मांग रहे थे, सोचा समाज सेवा कर दूं। इस बात पे सीमा हैदर बुरा मान गई, उन्होंने बोला मेरे पति को ऐसा कैसे बोला। उन्होंने हायर किया एक लॉयर, ये जो पाकिस्तान से आई है इंडिया में तारों के नीचे से घुस के, लॉयर हायर किया और डिफेमेशन का। नाउ सचिन एंड सीमा हैदर के लॉयर ने ये बुनियाद रखी है कि ये आंटी ने सचिन भाई को झिंगुर बोला एंड किसी को जानवर बोलना एक कानूनी अपराध है। तो पहली बात तो झिंगुर जानवर नहीं इंसेक्ट होता है। अगर इसी बात पे किसी को जेल में डालने लगे तो यूट्यूब के आधे रोस्टर्स कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। तू भी फिर इस आंटी के पति के फोटोज वायरल हुए कि दूसरे के पति को लप्पू बोल रही है, झिंगुर बोल रही है, इसका पति देखो। जब तक अपना पति ऋतिक रोशन ना हो ना तब तक दूसरे के पति को कुछ बोलना नहीं चाहिए। जो हस्बैंड के साथ किया जा रहा है ना उसका थोड़ा दुख है क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टारगेट किया। जो आदमी देखे खेतों में काम करने वाला नॉर्मल है, मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, मेरे से भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सपोर्ट पूरा देते हैं मुझे। मुझे तो लगता था बाल विवाह में दोनों का बच्चा होना जरूरी है। सीमा से और सचिन से कोई नाराजगी? जो जो गलत जो कुछ तो लोग गलत कह रहे हैं कुछ अच्छे कह रहे हैं, तो काई के मुंह से चार बात अच्छी लिख रहे हैं, काई के बुरी लिख रहे हैं। सब दुनिया एक चीज थोड़ी होती है, ये अपनी अपनी लोगों की समाज है, कोई अच्छा कह रहा कोई बुरा कह रहा। यार था ना इस बात पे चल रही डिबेट, लाइव डिबेट पूरा दिन यूट्यूब पे चलती रहती है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। शादी हुई हमारी भी शादी हुई, हमारे यहाँ पे भी खूब लड़ाई होती है, पति चार चार अरे भयंकर भाई क्या ही डिफेंड कर रही है। अरे वो साला है तो तेरे लिए लड़ रहे लोग, तू तो कुछ बोल। करके दिखाता हूँ, करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। बट एक बात तो इंडियन मीडिया आपको गलत साबित करने में बहुत मस्त है, ओके? जब भी आपको लगने लगता है कि इससे ज्यादा नीचे गिर नहीं सकती तो आपको गलत प्रूव कर देते हैं। फॉरेन की मीडिया दो देशों के बीच यू नो मंडवली कराती है, इधर देखो लड़वाते हैं। इधर एकता कपूर इस पे एक सीरियल बनाए जिसका नाम हो पाकिस्तानी बहू। सही बात है, बन सकता है। YouTube चैनल खोल लेना चाहिए, रोस्टिंग का नहीं, वो तो मिथिलेश का काम है। सीमा भाभी को एक टिप्स फॉर ट्रैवलिंग का चैनल खोल लेना, अलग अलग देशों में तारों के नीचे से घुस के चार बच्चों को लेके ट्रैवल करना है। अरे बहुत चलेगा। फनी चीज ये है कि ये लप्पू बोलने निकली थी सचिन को, लेकिन अब इन्हें लप्पू आंटी के नाम से जानते हैं सब, इन्हें इनके नाम से कोई नहीं जानता। और मीडिया को तो भाई कोई काम धंधा ही नहीं है, पूरे देश के मैटर छोड़ के लप्पू आंटी इस सचिन सीमा लेके बैठ गए। अरे वो सीमा क्यों है देश में समझ नहीं रहा अभी तक। और मुझे साबित करने नहीं, नहीं तो सीमा जी ये बताइए, ये बताइए जैसा भी है मेरे लिए लिखा है ना तुमने, शाहरुख खान को भी फेल करेगा। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने पति पे। हाँ देखो आपको गर्व है आपके पति पे,
उसको भी होगा गर्व, जो भी है उसका वो अभी हो गया शादी, ये लोग का मेरे को मालूम भी नहीं। सचिन को देख के मेरे को सचिन मुंह खोल लप्पू साले मुंह खोल के बात कर, तेरे लिए लड़ रही है लड़कियां, मजा आ रहा है साले को तो मजा आ रहा है, ये मेरे लिए लड़की नोटी हो रहा के उसके पति के लिए हमने तो प्यार से कहा, इन्होंने जो टेंट बाजी करी ठीक है, प्यार से कहा था, धमकियां प्यार से कहा था, हमारे तो यहाँ पे प्यार की बोली है भैया, हर जगह हरियाणा में जाके उसका बच्चा भी बैठा सीमा का। सीमा जी मिथिलेश करिए, जो कहा था सचिन को वो प्यार से कहा था, ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, अपने बेटे को दिखाए सर, मेरे पति को इनके प्यार की जरूरत नहीं, इनकी माँ भी है, इनके पापा भी है, इनके सब है। का जो बीफ हो रहा है ना स्क्रिप्टेड बीफ है, दोनों इतनी कॉन्फिडेंट कैमरा के सामने। हां मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर, मैं अगर पाकिस्तान से आई हूं क्या मैं औरत नहीं हूं? उस कहती कि यहां अरे समझ नहीं रहा है, पड़ोस वाली आंटियों के मैटर टीवी चैनल पे अच्छा अच्छा खबरें शो चला दो न्यूज़ चैनल पे। हां यार तो नॉर्मल है, पैसा देना पड़ेगा, पर माफी काई कीमत पे भी ना मांगूंगी, आपकी भावना, आपको झगड़ा करने का, आपको बीफ करने का, फॉलोअर्स बढ़ रहे आंटी के, बाय द वे आंटी ऑनलाइन मैटर को ऐसा मत बोलो, बट यार ये समझ में सच में तो मोहल्ले की लड़ाई है यार, टीवी चैनल में डाल रहे हैं यार। सरप्राइज अगर ये मिथिलेश आंटी उनको बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करे और फिर वो पूरा बॉक्सिंग मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बोल के मार्केट किया जाए, समझ रहे हो ये स्ट्रेटजी है मार्केटिंग। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इनसे लड़ूं, मैं खुद को हिंदुस्तानी मानती थी पाकिस्तान में रह के भी, अब भी हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहूंगी सर। बट मेरे को समझ नहीं रहा है बिचारी पे डिफेमेशन केस क्यों लगता है, डिफेमेशन केस उन पे लगता है जिन्होंने नाम खराब किया हो, तो नाम बना दिया उसका। तो मेरी बात मानना, कोर्ट जाएगा तो सब लोग बोलेंगे अरे लप्पू सचिन, अरे लप्पू आंटी है ना, डिफेमेशन छोड़ बेटा, शाउट आउट का केस लगा दिया ना कि मैंने इसको शाउट आउट दिया है, मेरे को 1 करोड़ चाहिए फेमस करने के लिए, तब तू जाएगा। एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, कोई तो बोल रहा था ना ये पाकिस्तानी एजेंट है, तो वो सब गया क्या, केस चल नहीं रहा है, इसको वो टेंशन है कि सचिन को लप्पू बोल रहा है, इधर पाकिस्तानी एजेंट बोल रहा है उसको। बेचारे सचिन तेंदुलकर सर ने 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के नाम को रोशन किया, ये सचिन बैट का ग्रिप निकाल के ना। अब ये सब तो ठीक है, लप्पू से सचिन का भी एक लॉयर है, उनकी बात है, देखो गुरसा लप्पू मरा हुआ चूहा, मतलब उस चूहे को मारने की भी तैयारी है, मारा भी जा सकता है, हत्या भी की जा सकती है, मरा हुआ चूहा जरा वकील सब कॉमेडी हो रहा है यार, मर जाए सब कॉमेडी कर रहा है, खींच कर मर जाए, सूखा जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी, मतलब उसको इतना करेंगे मार देंगे हटा देंगे। क्या क्या हो रहा है, इसने तो एक की दो कर दी, कॉम्प्लिकेट क्यों की जा रही है। और क्या चंद्रयान 3 फाइनली लैंड हो चुका है, अरे हाँ फाइनली यार, कांग्रेचुलेशंस यार इंडिया, पिछले साल तो रोना ही आ गया, काम कर दिया यार, एक मिनट कोई भी नहीं बोलेगा ये सीमा हैदर ने जो प्रेयर किया था उसके वजह से हुआ। मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं वर्क किए हूँ, भारत का चंद्रयान 3 आज शाम उतरेगा चंद्रमा पर, इससे हमारे भारत देश का बहुत नाम होगा, इसलिए मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक सफलता प्रूफ उतर नहीं जाएगा, तब तक मेरा व्रत है। चंद्रयान 3 का सक्सेस भी ये ले जाएगी, पाकिस्तानी लगी नहीं रही है तो। मोदी 4 बच्चों को लेके बॉर्डर क्रॉस करके आई है, मोदी जी को अपना भाई बना लिया, इंटरनेट सेंसेशन बन गई, अभी मेरे को धरती पे बोझ वाली फीलिंग आ रही है। मैं क्या कर रहा हूं यार, राष्ट्रीय पिता है ना, इनको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दो। और साला एक बात तो माननी पड़ेगी, साला सचिन में कुछ तो बात है, या तो पबजी बहुत अच्छा खेलता है या तो सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं, कुछ तो होगा भाई में, हैं इधर हमको तो साला पबजी में रिवाइव नहीं देते दोस्त। दीदी अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो अगर आप, मैं फ्यूचर का बता रहा हूँ, अगर आप गलती से भी अगर जासूस साबित नहीं होती है, इनोसेंट साबित होती हो तो हमारे थगेश शो पे आ जाना। इतना ही नहीं, अब बोला जा रहा है कि सचिन और सीमा हैदर की लाइफ की मूवी बनने वाली है, यस मूवी की शूटिंग कुछ ही टाइम में चालू हो जाएगी, जिसका नाम होगा कराची टू नोएडा। लप्पू सा सचिन रख देते ज्यादा हिट होती, बना रहे पहले मूवी का अंत जान लो क्या होता है ना, अगर अंत में वो पाकिस्तानी एजेंट निकली और जेल में चली गई तो उनको पिक्चर की जगह पंक्चर बनाना पड़ेगा। हाँ भाई
बट ये एक बेटर स्टोरी होगी आई थिंक, है ना? कुछ भी हो देखो मेरे को लप्पू सी आंटी का कैमियो चाहिए ही चाहिए। हां वालों के अगर स्टोरी नहीं बचती तो ऑलरेडी बनाई हुई स्टोरीज पे मूवी बनाते हैं क्या? ये कितनी बार देखा ही हमने। एक काम करो इसको गदर 3 नाम दे के बेच दो, लप्पू से सचिन बना दो। मैं मार दूंगा साले तेरे को। गदर 3 की बात हो ही रही है, गदर 2 ने भाई गदर मचा दिया। गदर 2 की सक्सेस देख के लोग इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान को गाली देकर अगर हिंदुस्तानी भाव का करियर बन सकता है तो सनी पाजी का तो रिवाइव हो ही सकता है भाई। बट नहीं, कुछ बोल रहे लोग 200-300 करोड़ कमा लिए गदर मूवी ने। भाई क्या चालू है, बड़े बड़े एक्टर्स आए कुछ कर नहीं पाए, चार पाकिस्तान को गाली दे। बट ये बात को डिनाई कर ही नहीं सकते कि फैन फॉलोइंग को मानना पड़ेगा भाई सनी जी। 20 साल बाद भी लोगों ने याद रखा, और मैं 2 हफ्ते बाद वीडियो डालू सारे सब भूल जाएंगे। हाँ मेरे चैनल पर ऑडियंस देख के बोले हाँ भाई तू कौन है। इतना ही नहीं, ये भी रूमर आ रहा है सनी पाजी गदर 3 बनाने वाले, घातक 2 बनाने वाले, बॉर्डर 2 बनाने वाले। मार्केटिंग यूट्यूबर से सीखा, एक टॉपिक हिट होए उस टॉपिक पे 12 वीडियो आनी चाहिए। देखो अगर आपको गदर 3 बनानी है तो बॉर्डर 2 का मैंने सुना बना दो पाजी, ट्रेंड है, हाई चल रहा है, अभी के अभी व्यूज और टिकट बेच दो। इस फिल्म ने पहले ही वीक में 284 करोड़ कमा लिए। अगर ये फेक ना हो तो, बट मेरे को नहीं पता। सनी पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा तो इतने कमा लिए, ट्यूबवेल उखाड़ देता तो साला RRR की कलेक्शन क्रॉस हो जाती। जैसा मैंने बोला सनी पाजी ने बॉर्डर 2 भी अनाउंस कर दी। अरे सांस लेने दो पाकिस्तान वालों को, बिचारों को क्या क्या। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है यार पाकिस्तान से, ऐसा मत करो उनके साथ। अफगानिस्तान वाले एक तो उनको बॉर्डर पे परेशान कर रहे हैं। बट एनीवेज यार मैंने तो नहीं देखी गदर, आपने देखी है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ क्या रिव्यू है आपका। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। एंड थगेश शो का न्यू एपिसोड आ गया है स्काउट मॉर्टल और 8-bit थक के साथ, यहाँ पे टाइप करके देख लेना, बवाल एपिसोड है, मजा आ जाएगा एकदम। एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना @MaheshKeshwala। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। चलो भाई दादा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। लप्पू सा तो सचिन है भाई, मजा आ गया। अरे यार मुझे सच में यार मीडिया अपने देश की बहुत घटिया लगती है यार। क्या मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है, इतना स्तर गिर चुका है इनका। सच में यार हमारे पास इतना टाइम है, हमारी मीडिया के पास सच में इतना टाइम है यार। मीडिया वालों तुम कुछ काम की खबर दिखाओ, ये सब चीज़ों के लिए यूट्यूबर्स हैं हम लोग हैं। तुम यार असली मुद्दों पे ध्यान दो देश के यार। इंडिया में इतने मुद्दे हैं, लाइक मणिपुर में जो हुआ वो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इतने मुद्दे हैं यार। तुम लेके बस लप्पू सा सचिन ने लप्पू सी सर आंटी लप्पू आंटी जो भी नाम क्या लगा रखा। बट यार भाई एक बात है, ठगेश का जो तरीका है वो सही कमाल, बहुत सही तरीके से जो शो है ना, खबरेश मस्त लगता है। खबरेश बहुत सही भाई, मज़ा आ गया देख के। आप लोगों को कितना मज़ा आया हमारे साथ ये देख के कमेंट करके जरूर बताना। ठगेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन लोगों ने नहीं किया है उनको ये वीडियो हमको मिला है, और हमारे चैनल को भी कर लो भाई नए आए हो तो। और जो ठगेश फैन है वो तो कर ही लेना यार, और अगर इसी तरह के और वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, मिलते हैं। मेक लव नॉट वॉर।